खबर गुजरात के बड़ौदा से आ रही है, जहां पर वड़ीवाड़ी स्मशान गृह में बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। बुनियादी सुविधाओं से ये जगह वंचित है। बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से बड़ौदा शहर के विभिन्न स्मशानों को रिनोवेशन और उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है, पर ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि ये करोड़ों रुपए का खर्च कहाँ किया गया है। वड़ीवाड़ी स्मशान में अंतिम क्रिया हेतु आने वाले जो परिजन हैं उन्हें बुनियादी पानी पीने की सुविधा भी नहीं मिल रही है, जबकि जो चिता जलाई जाती है उसके आसपास गंदगी भी वहां पर देखी जा सकती है। तब वहां पर अंतिम क्रिया हेतु आने वाले स्वजनों की ओर से भी बड़ौदा महानगर पालिका पे सवाल उठाए गए हैं कि वड़ीवाड़ी स्मशान गृह को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है और यहां पर लगातार गंदगी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। आज अहीं खासवाड़ी स्मशान आयो छू। आज मैं अहीं एक मुक्तिनु धाम छे एवं आपणे जाणीए छे कि मंदिर पछीनु धाम आज आपणे एक मुक्तिनु धाम आवे छे। ये जे गरीब होय के अमीर होय छेले ने अहीं ज आईने आपणे मोक्ष लेवानो छे। आज अहीं जोयुं के नथी अहीं पाणीनी सगवड पूर, अहीं गंदगी छे। तमे पण जोई शको छो न्यूजना माध्यमथी कि अहीं फूल गंदगी ने बधुं छे। हवे आपणे एक માનવતા દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો અહીંયા એક આપણે ચોખ્ખાઈ રાખવી જોઈએ, સાફ સફાઈ રાખવી જોઈએ। આપણે એક મેસેજ એવો છે કે ભાઈ અહીંયા બધાને એક રીતનું કે મદદ રીતના રહો કે ભાઈ એવી રીતના સાફ સફાઈ રહો। કોર્પોરેટર હોય કે અહીંયા જે પણ વિસ્તારના કોઈ હોય, કાઉન્સિલર હોય કે કોઈ પણ હોય, અહીંયા મદદ કરો, નમ્ર વિનંતી છે, એવો આપણે એક મેસેજ એમને પાઠવ્યો। પાણી એક વસ્તુ એવી છે કે સાહેબ પાણી બધાને જ જરૂર પડે છે। અહીંયા ગરમીનો માહોલ છે, સ્મશાનની અંદર જ્યારે જળ જ ના હોય, જળ એ જીવન છે કહેવત છે, પણ અહીંયા જ્યારે જળ જ નથી તો એ કહેવતનો પણ શું ઉપયોગ। પાણીનો એક અરબ બાંધીને તો મૂક્યું, બાંધીને મૂક્યું છે, પાણીની નવી પરબ પણ બંધાઈ છે, પણ અહીંયા અમે પૂછ્યું તો એમને કીધું કે અહીંયા કોઈ ધ્યાન નથી દોડતું, વાયરિંગ નથી થયું, મશીનો પણ એવા ધૂળ ખાય છે, પછી એનો મતલબ શું આની અંદર? શું નામ તમારું? મારું નામ કાર્તિક શાહ છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।